नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जो भी अभ्यर्थी ANM काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट कह सकते हैं, बड़ी सूचना है, जो कि केस जो दर्ज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में उनसे क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी अब केस से दूर जा रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई है, आप लोग सही सुना, वो सारी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। तो क्या CBT वाले जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है वो अगर सुप्रीम कोर्ट से दूर जाएंगे केस से तो 32,000 ANM बहने के बहाली होंगे या किनको बहाली किया जाएगा, अब कितना प्रोसेस लगेंगे, कितना समय लगेंगे प्रोसेस में, ये इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही क्या कुछ हुआ ऐसे कि जो CBT वाले का जो टीम लीडर है उनके द्वारा ये सारा कहे जा रहे हैं कि हम पे मतलब कि ANM बने भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि आप लोग एक टीम का लीडिंग कर रहे हैं उसमें बहुत सारा पैसा आते हैं, तो सबका कहना है कि उस पैसा का हिसाब चाहिए हमको और इन्हीं को लेकर ये पेच फंस रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं सब पैसा देंगे ही और बिना पैसा को तो केस लड़ा नहीं जाएगा, और वही जो पैसा मिल रहा है उन्हीं का हिसाब मांगा जा रहा है कि हमको उनका हिसाब दीजिए, कहाँ आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ हम लोगों का पैसा जा रहा है। तो उनका भी कहना एक जायज है, क्या कुछ कह रहे हैं इनके द्वारा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। तो जानिए क्या है इनकी सच्चाई। क्वालिफाई बहने एवं उनके पेरेंट्स को नमस्कार करते हैं। आप तो मुझे पहचान ही रहे हैं हम कौन हैं। अभी मैं लाइव इसलिए आ गया हूँ कि बहुत सारे ग्रुप में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि क्या होगा केस का, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा हम लोगों केस का। एक तो डेट 27 को मिला जिसको बर्बाद कर दिया, अब अगला डेट मंडे या ट्यूजडे तक वो आपका आएगा डेट, अगला नेक्स्ट हेयरिंग कब होगा। इससे पहले आपको हम क्लियरिफाई कर देना चाह रहे हैं कि जितने भी पेरेंट्स ये जो ग्रुप में ना गीदड़ और बिल्ली का जो उछला कुदली चल रहा है ना गेम, उसको चलने दीजिए, उसको देखिए, एंजॉय कीजिए। शेर अभी सो रहा है, शेर अभी जो आपका ग्रुप का है नेक्स्ट हेयरिंग जो डेट है उसका वेट कर रहा है। हम लोग शेर गीदड़ नहीं इधर कुछ लेंगे, इधर कूदेंगे, ये भी बोलेंगे, वो बोलेंगे। अब आगे से हमने क्लियर कर लिया है, फिक्स कर लिया है कि जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट आएगा उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जिस पर हम बात करेंगे, फालतू अनवांटेड बात हम नहीं करेंगे। और सारा हमारी जो टीम है, पिंटू जी, मोनू जी, हम हैं, और हमारी जो लीगल सेल है वकील साहब हुए, सारे लोग हम लोग पैनी नज़र केस पर बना हुआ है। केस हम कैसे जीतेंगे उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आप पेरेंट्स लोगों की घबराने की जरूरत नहीं है, आज अंजलि सिस्टर उन लोगों से मिल गई है, कोई बात नहीं। अंजलि जो केस है ना आपका, जो केस है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में, ना कि अंजलि सिस्टर के घर में रखा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ न्याय मिलना है, इस देश का सबसे बड़ा जो न्याय का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ आपका केस रखा हुआ है, वहाँ आपको न्याय मिलेगा, ना कि जो न्याय है जो केस है वो आपको बार बार बता रहे हैं आपको कि अंजलि सिस्टर का घर में, उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम टेंशन फ्री रहिए। हम लोग सत्य का साथ दे रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि हम लोग कितना सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। न्याय का मंदिर में आपका केस रखा हुआ, न्याय मिलेगा। कौन क्या गलत कर रहा है, उछला कुदली कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। फंडिंग की जहाँ तक बात रहा, तो आगे अगर हम लोग की सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग डेट आता है तो अगर फंडिंग का जरूरत पड़ेगा हमारी टीम आपको बोलेगा, फंडिंग आप कीजिएगा अनुराधा के अकाउंट पर कीजिएगा। ये बात मैं आज आपको बोल रहा हूँ, हम केस लड़ेंगे, अनुराधा के अकाउंट पर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अंजलि चली, मान लीजिए हमारे साइड से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम केस कैसे लड़ेंगे, हमको कानून मालूम है। हमारे साथ विद्वान बगील जो एडवोकेट है उनकी टीम है, हम अगर अंजलि सिस्टर चली भी जाती है उसके पास भी केस हम कैसे लड़ते हैं और कैसे आपको न्याय दिलाएंगे वो मैं जानता हूँ। वो बात अभी मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि लीगल चीज़, बाकी जिसको जहाँ जाना है जाने दीजिए, आज वहाँ है कल वहाँ है, हम किसी के पास नहीं गए थे, वो लोग खुद मेरे पास आए थे कि भैया हमको न्याय दिला दीजिए। हम जब न्याय के लिए खड़ा हुए तो लोग भाग गए, हम थोड़ी गलत हैं, जो गलत है गलत है। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, जिसको हिसाब लेना है कि
कितना डोनेशन आया कहाँ के बारे में हमको बोलने दीजिए। देखिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चीजें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग मुझे पहचान रहे होंगे अच्छे तरीके से। 29 अप्रैल का जो जजमेंट आया था और 2 मई का जो मीटिंग पटना न्यू सचिवालय के पास रखा गया था वो हम ही है। लोग सुने कि फंडिंग पे आकर मामला अटक रहा है, क्योंकि इसमें जितनी सुनवाई होते हैं हाई कोर्ट में उतनी सुनवाई चले, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो फंडिंग कहीं ना कहीं हुआ है। तो फंडिंग होते हैं तो बार बार किसी स्टूडेंट से किसी से पैसे लिए जाते हैं, तो इन कारणों से ये लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि एक दिन मिला सुप्रीम कोर्ट का तो फिर ये बेकार हो गए। लेकिन आप लोग को अब नेक्स्ट जो सुनवाई है उसको देख लीजिए आप लोग क्या कुछ होते हैं, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कितना इसमें कुछ होने वाले हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत रह रहा है तो उसका हैंडल खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगे, क्योंकि उसमें आप लोग थोड़ा सा ग्रुपिंग करके आप लोग खुद से भी उसको सारा कुछ कर सकते हैं। तो और भी आगे के इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी आएंगे आप लोगों को BTSC ANM की रिगार्डिंग, वो सारी जानकारियां आप लोगों तक मिलते रहेंगे। और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे की आपकी और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी।